नई पुष्प लाने गया था। पुष्प? किंतु ये पुष्प किसके लिए? देवी सीता के लिए माँ, देवी गंगा। तेरे पापों में सम्मिलित नहीं होंगी मैं। रावण तू? हाँ मैं रावण। इस क्षण तुझे मेरा कार्य करना है। मैं तेरा कोई कार्य नहीं करूंगी। जाओ, चले जाओ यहाँ से। भूल मत, रावण हूँ मैं। रावण, दशानन रावण, लंकेश्वर रावण, और इस समय लंका का अधिपति मैं हूँ, और इसी कारण तुझे मेरे आदेश का पालन करना होगा। हाँ तो यही व्यवस्था है कि तुम इस लंका के अधिपति हो, और विडंबना ये है कि लंका तुम्हारे अधिकार में है। जब सब जानती हो तो मेरे आदेश के पालन में इतना विलंब क्यों? उत्तर दो। मुझे याद है आज भी वो दिन जब सप्तऋषि ने मुझे श्राप दिया था। गांधारी, हमारे तप में विघ्न उपस्थित करके तुमने हमारे साथ बड़ा अपराध किया है। गंधर्वी होकर तुमने आसुरी व्यवहार किया है। हम तुम्हें शाप देते हैं, हम तुम्हें शाप देते हैं कि इसी क्षण तुम असुर हो जाओगी, कि इसी क्षण तुम असुर हो जाओगी, और तुम्हें असुरों की सेवा करनी होगी। तुम्हें असुरों की आज्ञा का पालन करना होगा, असुरों की आज्ञा का पालन। रावण, तुम मुझे आदेश इसलिए दे रहे हो क्योंकि मैं एक श्राप के बंधन से बंधी हूँ, किंतु एक दिन मैं अपने श्राप के बंधन से मुक्त हो जाऊंगी। जिस दिन की तुम प्रतीक्षा कर रही हो दिन कभी नहीं आएगा, क्योंकि तुम मेरी बंधनी थी और सदैव मेरी बंधनी बन के रहोगी, समझी तुम? रावण, व्यर्थ की बातें मत करो और अपना कार्य बताओ। अब कौन सा पाप करवाने आए हो मुझसे? देख लंकनी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कार्य केवल तू कर सकती है, कोई नहीं कर सकता, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुन। राजा जनक अपनी पुत्री सीता के साथ परशुराम के आश्रम जा रहा है। मैं चाहता हूं कि तू तो उसकी पुत्री सीता को समाप्त कर दे। हत्या? हाँ, हत्या, सीता की हत्या। वो किसी भी मूल्य पर जीवित नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि उसका जीवन रावण के मृत्यु से जुड़ा है और उसके मृत्यु रावण के जीवन से। रावण, क्या तेरे पास ऐसा ही कार्य है? छी, एक भोली भाली कन्या की हत्या का पाप अपने शीश लेने को तैयार है? एक बात कह रही हूँ, स्मरण रखना, तेरे पापों का घड़ा भरने वाला है, और जब किसी प्राणी के पापों का घड़ा भर जाता है तो उसका अंत हो जाता है, और अब तेरा भी अंत निकट आ गया है। पाप पुण्य जैसे शब्द रावण के शब्दकोश में है नहीं। मेरे आदेश का पालन कराने था, शिक्षण तेरा सरकार से अलग कर दूंगा। पालन तो करूंगी ही, बंदी नहीं हो तेरी, चिंता मत कर, सीता की हत्या होगी। लंकनी करेगी सीता की हत्या। सीता,
नलदेव की मृत्यु का कारण बनना चाहते थे। अब कौन बचाएगा तुझे? स्वयं मृत्यु भी नहीं बचा सकती। महाराज जनक, आप बड़े ही भाग्यशाली हैं। वो कैसे? लक्ष्मी स्वरूप कन्या रत्न जो प्राप्त हुई है आपको। सत्य कह रही है देवी, मेरी पुत्री साक्षात लक्ष्मी है। जब से सीता हमें प्राप्त हुई है तब से हमारे राज्य के समस्त संकट दूर हो गए हैं। वर्षों का अकाल समाप्त हो गए और हमारे राज्य का भंडार भी अन्न धन से परिपूर्ण है। आइए। प्रभु, ईश्वर की यह कैसी लीला है? साक्षात माता लक्ष्मी राजा जनक के साथ है और वो है कि इस सत्य से अनभिज्ञ है। यही तो माया है महाबली काका, कि व्यक्ति सत्य को देखकर भी नहीं देखता। सत्य छाया के समान है महाबली काका, छाया रहती सदा साथ है किंतु ग्रीवा घूमते विलुप्त हो जाती है। महाबली काका, प्रभु श्री राम के आदेशानुसार हमें प्रतिपल सतर्क रहना होगा, क्योंकि रावण शांत बैठने वालों में से नहीं है। वो अवश्य ही माता सीता को हानि पहुंचाने का षड्यंत्र रच रहा होगा। तो ये है जनक की पुत्री सीता। सीता, लंकनी की माया से ना आज तक कोई बचा है, ना ही तुम बच पाओगी। पिताश्री, रात्रि होने को है, आज हम कहाँ विश्राम करेंगे? नमः शिवाय। नमः शिवाय। इस वनांचल में इतनी भक्तिमय मधुर ध्वनि प्रतीत होता है निकट में ही भक्तों का निवास है। देवी, आइए चलिए भक्तों का दर्शन करते हैं। देवी साध्वी, हम सबका प्रणाम स्वीकार कीजिए। कल्याण हो पुत्र, इस घनघोर वन मार्ग में कहाँ जा रहे हैं? हम सब ऋषि परशुराम के आश्रम जा रहे हैं, वहां महायज्ञ में सम्मिलित होने। किंतु
इतनी रात्रि हो गई है, इतनी रात्रि में कैसे जाओगे? नहीं, गमन करना उचित नहीं होगा देवी, इसलिए हम वन मार्ग में किसी उचित स्थान को देखकर ही विश्राम कर लेंगे। वन में ही क्यों, यहाँ निकट मेरा आश्रम। तुम शिव के भक्त हो, हमारी कुटिया में चलकर आराम करो, कल प्रातः अपनी यात्रा पर निकल जाना। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। आइए चलिए। प्रभु, भक्ति की चाहत भी विचित्र होती है। ईश्वर की भक्ति में लीन होकर घर द्वार परिवार सब कुछ छोड़कर पर्वत पर्वत विचरण करते रहते हैं प्रभु, विचरण करते रहते हैं। हाँ महाबली काका, और भगवान भी उनके समीप आते हैं, चाहे उनके भक्त इस संसार में कहीं भी हो। धन्य है भक्तों की भक्ति, धन्य है। वत्स, जीवन क्षण भंगुर है, कोई भी नहीं जानता कि अगले पल क्या होने वाला है, किंतु फिर भी मनुष्य योजनाएं बनाने से नहीं चूकता। सत्य कहा देवी, इसीलिए मनुष्य को माया में लिपटा हुआ जीव कहते हैं। मनुष्य सब कुछ जानते हुए भी सत्य से परे रहता है, किंतु जब मृत्यु मनुष्य के निकट आती है तो उसे अचानक ही जीवन दर्शन के सत्य का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। प्रभु, प्रभु ये साध्वी किस प्रकार की बात कर रही है, बिल्कुल अप्रासंगिक। महाबली काका, बात अप्रासंगिक अवश्य है, किंतु है पूर्णतः सत्य। मृत्यु के समय ही अधिकतर मनुष्य को यह आभास होता है कि उसने यह अनमोल जीवन कैसे बिना भगवत भजन के व्यर्थ गवा दिया। पिताश्री, मुझे भूख लगी है। बस पुत्री बस, अभी भोजन की व्यवस्था करती हूँ। साथियों मेरे साथ आओ, पुत्री को भूख लगी है। हमने सीता को यहाँ लाकर सफलता का पहला सोपान तो पूरा कर लिया है। दूसरे सोपान पर हमें उसे भोजन कराना होगा, और तीसरा सोपान उसके जीवन की समाप्ति का सोपान होगा। किंतु एक बात याद रहे, इस कार्य को सफलता पूर्वक करने में किसी को भी हम पे संदेह नहीं होना चाहिए। जाओ ये भोजन लेकर जाओ, मैं सीता के लिए विशेष भोजन स्वयं लेकर आऊं। Ha 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 ha
इस विष युक्त भोजन से सीता की मृत्यु निश्चित है। साध्वी ने तो हर किसी के लिए मनपसंद भोजन परोसा है और मारुति के लिए तो लड्डू है। देवी, देवी सीता का भोजन नहीं आया। देवी सीता के लिए विशेष भोजन लाई हूँ। लो पुत्री, भोजन ग्रहण करो। ये क्या? माता के भोजन में विष? हनुमान, ये अत्यंत ही घातक विष था। तुमने इसे सीता के भोजन से अलग कर अपनी बुद्धिमत्ता एवं श्रद्धा भक्ति का परिचय दिया। हनुमान, हमने तुम्हें जिस कार्य का दायित्व दिया था उसे तुमने पूर्ण योग्यता से निभाया है।
तुमने हमारा मन जीत लिया हनुमान, हम अति प्रसन्न हैं तुमसे। आपकी प्रसन्नता में ही तो मेरी प्रसन्नता है प्रभु, मैंने तो बस अपने धर्म का पालन किया है। सीता, अब तुम्हारी मृत्यु अटल है क्योंकि घातक विष युक्त भोजन समाप्त किया है, बस कुछ ही क्षण और जीवित हो तुम। क्या हुआ मारुति, तुम भोजन ग्रहण किए बिना ही अपनी आसन से उठ गए? मैं अभी आया माँ। अवश्य ही कोई विशेष बात है, अन्यथा प्रभु इस प्रकार भोजन के बीच से उठकर नहीं जाते। ये क्या है प्रभु? विषय महाबली काका। विष, ये विष कहां से आया प्रभु? माता सीता के भोजन से। प्रभु, ये कैसे संभव है? माता के भोजन में कौन विष डाल सकता है? लो पुत्री, भोजन ग्रहण करो। जो भोजन दे सकता है माँ बली काका, वो साध्वी के वेश में मायाविनी। प्रभु, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उस मायाविनी को अभी दंड देता हूँ। नहीं महाबली काका, मायाविनी को दंड देने से पूर्व हमें माता सीता एवं सभी को उसके आश्रम से बाहर निकालना होगा। आप उन्हें वहां से किसी विधि से बाहर निकालने का जतन कीजिए। इस मायाविनी को दंड मैं अवश्य दूंगा, किंतु उन सबके वहां से जाने के उपरांत। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। Thank you.
असंभव। ऐसा कैसे हो सकता है? लंकिनी के विष से कोई कैसे बच सकता है? इसका अर्थ ये हुआ कि सीता कोई साधारण कन्या नहीं है। तुम जो कोई भी हो, मुझे क्षमा करना, क्योंकि मैं रावण का कार्य करने के लिए बाध्य हूँ। सीता, निसंदेह तुम कोई असाधारण कन्या हो, जो कि रावण के जीवन के लिए संकट बनने वाली हो। यदि ऐसा हुआ तो ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है, जो कि मुझे करना ही होगा। इस कार्य को पूर्ण करने के लिए मैं ऐसी चाल चलूंगी कि सीता तुम तो क्या, कोई भी नहीं बचेगा। वहां पर उपस्थित सबको मार देना। कोई भी जीवित नहीं बचना चाहिए, कोई भी जीवित नहीं बचेगा देवी। ये नरभक्षी कीट अब किसी को भी जीवित नहीं छोड़ेंगे, सबको मिट्टी बना देंगे। पुत्री अंजना, मेरे विचार से अब हमें यहां से चलना चाहिए, क्योंकि यात्रा बहुत लंबी है। कहीं ऐसा ना हो कि हम सभी लोग महर्षि परशुराम के आश्रम में महायज्ञ के उपरांत पहुंचें। ये आप क्या कह रहे हैं जामन काका? अब इतनी रात्रि के अंधकार में हम कैसे जाएंगे? माँ, अंधकार कहाँ है? आकाश में पूर्णिमा का चंद्रमा है। चारों ओर प्रकाश है। महाबली काका सत्य कह रहे हैं, अब हमें चलना चाहिए। कभी कभी तो मुझे तेरी बातें समझ में ही नहीं आती। कभी तो दिन में विश्राम करने को कहता है, तो अब रात में ही चलने की हट कर रहा है। देवी, कहाँ जाने की बात कर रही हैं?
साध्वी, हमने यहाँ विश्राम भी कर लिया और भोजन भी। अब हम सब यहाँ से यात्रा के लिए प्रस्थान करना चाहते हैं। ये क्या कह रही है देवी? इसका अर्थ मेरी सेवा में कोई त्रुटि रह गई? क्या मेरे अतिथि सत्कार में कोई चूक हो गई है जिसके कारण आप इस रात्रि पहर में मेरा आश्रम छोड़कर जा रहे हैं? नहीं नहीं साध्वी, आपका आतिथ्य पाकर तो हम धन्य हैं। किंतु नहीं नहीं देवी, आप चाहे जो कहें, मैं आप लोगों को इस रात्रि में इस भयावह वन में नहीं जाने दूंगी। आप लोगों से मेरी विनती है, मुझे पाप का भागीदार ना बनाएं। देवी अंजना, साध्वी उचित कह रही है। रात्रि में किसी के आश्रम से जाना उसका अनादर करना है। पुत्र मारुति, हम रात्रि में यहीं विश्राम कर लेते हैं। और तुम चिंता मत करो, हम ऋषि परशुराम के आश्रम बिल्कुल सही समय से पहुंचेंगे। आइए मैं आप लोगों को आपका कक्ष दिखाती हूँ। महाबली काका, हमें तैयार रहना होगा। वो मायाविनी आज रात्रि को गहरी एवं घातक चाल अवश्य चलेगी।
ये भयानक ध्वनि? ये तो नरभक्षी जीव है, ये तो अत्यंत भयानक है। अरे ये तो आश्रम के निकट आ रहे हैं सारे के सारे। चिंता मत कीजिए, सर्वप्रथम आप सब एक स्थान पर एकत्रित हो जाएं। अब तुम क्या करोगे मारुति? माँ, आपके पुत्र के रहते ये नरभक्षी जीव कुछ नहीं कर सकते। मारुति, ये सब क्या था? ये सब जीव हमारे निकट आते ही भस्म कैसे हो गए? ये तेरे पास कैसी शक्तियां हैं?
माँ, इन सब के पीछे वो नकली साध्वी है। नकली साध्वी? ये तो क्या कह रहा है? सत्य कह रहा हूँ माँ, आइए मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ आपको उसका वास्तविक रूप। ये वानर बालक बहुत ही दुष्ट है, इसने मेरी सबसे बड़ी शक्ति का नाश किया है, किंतु मैं भी हार मानने वाली नहीं, मुझे लंकेश का उत्तर देना है। बस साध्वी बस। तुझे जो कुछ भी करना था तूने कर लिया, मैं तुझसे तेरा परिचय नहीं पूछूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू एक मायाविनी है। वानर बालक, तूने सच कहा, मैं कोई साध्वी नहीं हूं, और अब मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी भी नहीं, सीधे अपना कार्य पूर्ण करूंगी। माँ, इसे दंड देना अति आवश्यक है, अन्यथा ये प्राणघातिनी है पुत्र। माँ आप मेरी चिंता मत कीजिए, क्योंकि जब माँ पुत्र के साथ होती है तो भला पुत्र को क्या हो सकता है, क्योंकि माँ तो सुरक्षा कवच होती है ना पुत्र का। मैं अभी आया माँ।
पुत्री भोजन ग्रहण करो। लंकिनी, तूने मेरी माता सीता को कष्ट पहुंचाने की चेष्टा की है, अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। रुक जाइए प्रभु। रुकिए प्रभु, ठहर जाइए। क्या हुआ देवर्षि, क्या बात है, किस उद्देश्य से आए हैं आप यहाँ, कहिए, क्यों रोका आपने मुझे? नहीं नहीं प्रभु, मैं आपको रोकने के उद्देश्य से यहाँ नहीं आया। भला इस संसार में आपको कौन रोक सकता है? फिर आपके प्रकट होने का प्रयोजन? प्रभु, मैं तो आपको परिस्थितियों से अवगत कराने के उद्देश्य से यहाँ आया हूँ। कैसी परिस्थितियाँ? मैं आपके कहने का आशय समझ नहीं पा रहा हूँ। प्रभु, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, यदि आज आपने इस लंकिनी का अंत कर दिया तो भविष्य में होने वाली सभी घटनाएं अस्त व्यस्त हो जाएंगी। विधि का विधान बदल जाएगा प्रभु। ये आप क्या कह रहे हैं देवर्षि? हाँ प्रभु, यह लंकिनी ही लंका तथा लंका ही लंकिनी है। यह लंकिनी ही लंका, यह लंकिनी ही लंका तथा लंका ही लंकिनी, तथा लंका ही लंकिनी, तथा लंका ही लंकिनी, तथा लंका ही लंकिनी, तथा लंका ही लंकिनी। और यदि आज आपने इस लंकिनी का अंत कर दिया तो लंका समय से पूर्व खंडित हो जाएगी। यदि लंका समय से पूर्व खंडित हो गई तो रावण का विनाश कैसे होगा प्रभु? प्रभु, जिस लंकिनी को आप देख रहे हैं वो सदैव से ऐसी नहीं थी। ये एक गंधर्व कन्या, अप्सराओं में अति सुंदर, सर्वगुण संपन्न, उसका नाम था गंधर्वी। उसके नृत्य पर पूरा स्वर्ग झूम उठता था। एवं प्रभु, उस गंधर्वी की एक और विशेषता भी थी। एक कुशल नृत्यांगना होने के पश्चात और कौन सी विशेषता थी? प्रभु, उस गंधर्वी के शरीर से एक मोहक सुगंध आती थी। संसार के बड़े बड़े ऋषि मुनि उसकी सुगंध से मोहित हो जाते। किंतु प्रभु, उस गंधर्वी को अपने रूप, गुण तथा सुगंध पर इतना अभिमान हो गया था कि वह संसार में किसी को भी जीत सकती थी। अपने इसी अभिमान में चूर एक दिन वो उस वन से गमन कर रही थी जहां पर सप्त ऋषि तपस्या कर रहे थे। Thank you.
आश्चर्य, मेरी सुगंध से ये प्रभावित नहीं हुए? असंभव, मेरे विशेष रूप का ये अपमान है, परंतु आज मैं इनका तप भंग करके ही रहूंगी। हमारे तप में विघ्न उपस्थित करके तुमने हमारे साथ बहुत बड़ा अपराध किया है। गंधर्वी होकर तुमने आसुरी व्यवहार किया है। हम तुम्हें शाप देते हैं, तुम इसी क्षण असुर हो जाओगी और तुम्हें असुरों की सेवा करनी होगी ना चाहते हुए भी तुम्हें असुरों की आज्ञा का पालन करना होगा। असुरों की आज्ञा का पालन। आने वाली एकादशी को सुग्रीव युवराज नहीं बल्कि राज्य से निष्कासित कर दिया जाए। किसकी हत्या मेरे हाथों होने वाली है? मेरे भाई सुग्रीव की। जय